एक माई थी फियाट गाड़ी में जा रही थी मथुरा से बिंद्रावन तो मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की फिल्टर प्लांट पेट्रोलियम का तो टैंकर आते जाते फास्ट टैंकर होते हैं टैंकर ने कुछ जोका खाया कुछ हुआ फियाट के साथ टैंकर टकराया बताओ फियाट की क्या हालत है ड्राइवर मर गया दो बच्चे मर गए पति मर गया भाई पीछे बैठी थी एक बेटा था किसी झोपड़पट्टी वाले का वो भाई मर गई थी तो लावारिश बेटे को भाई ने गोद में लिया था बाबा संत हो गए उनकी वो भक्त थी तो पति की लाश दिखी बेटे की लाश दिखी दो बेटे ड्राइवर और गाड़ी तो एकदम बिस्किट हो गई बताओ माई से क्या गुजरी होगी आगरे के हॉस्पिटल में एडमिट हुई साल भर बेड रेस्ट चल नहीं सकती बैठ नहीं सकती फिर नहीं सकती सोते सोते सब सिंगल डबल की जो भी क्रिया क्योंकि तीन फ्रैक्चर हुए रीड पे रीड के डीप तो जो लोग सुनते तो दुखी होके आते और भाई उनको सत्संग सुनाती कि इसमें रोने की क्या जरूरत है और हंसते हंसते उनको सत्संग सुनाते सुनाते हंसते हंसते वापस भेजते जब अमेरिका का उसका रिश्तेदार गया आगरे के हॉस्पिटल में तुम्हारे से जुलम हो गया दो बेटों की लाश तुमने देखी पति की लाश तुमने देखी ड्राइवर की लाश देखी साल भर से बेड रेस्ट पे तुम्हारे जैसा कहर तो किसी ने नहीं सा करके रोने लगा भाई ने कहा इसमें रोने की क्या बात है मैं तो हंस रही हूं पति की लाश देखी मैंने कहा ये तुम नहीं हो मरने वाला शरीर तुम नहीं हो तुम अमर आत्मा हो बच्चों को भी ऐसी सदगति दी प्रेरणा दी और पीड़ा हो ये तो शरीर को ही है दुखी होता है तो मन होता है मैं तो उसको जानती हूँ मैं तो जानकर आनंद ले रहे हूँ और तुम आके दुखी हो रहे हो और तुम तो अभी आखिरी दिनों में आए अभी तो साल भर पूरा हुआ है कल या परसों मुझे डिस्चार्ज कर देंगे फिर मैं घर चली जाऊंगी चल फिर सकूंगी इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है अगर जैसे तुम मेरे को सुनकर दुखी हुए हो ऐसा मैं दुखी होती तो मैं तो पागल हो जाती इसलिए ध्यान रखना कभी भी भूल कर भी मैं दुखी हूं मैं परेशान हूं इससे तो मैं मर जाऊं दुख तो चले जाएगा परेशानी तो चली जाएगी मैं मर जाऊं ये संकल्प का हरताल आ देगा हर जन्म में ऐसी गंदी आदत पड़ जाएगी